हेलो यू ऑल माय लवली बरीज अ वेरी वॉम वेलकम टू यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ दाउटनट और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एज इंग्लिश एजुकेटर योर मैम पूजा शर्मा हेयर वी हैव आर पोम ऑन द मान फ्रॉम योर साइड कि मैम एक पोम करा दो एंड दैट पोम इज अ फोटोग्राफ सो हेयर इट इज़ इट्स फ्रॉम आर बुक हॉर्न बिल और हॉर्न बिल की पोम में से आपके हाँ लिए है यहाँ पे अ फोटोग्राफ नाउ अ फोटोग्राफ हुट लव है ना हम क्लिक होना इतना पसंद करते हैं अगर हम आज के पर्सपेक्टिव में अगर इमेज uh, की बात करें या हम पिक्चर्स की बात करें तो हमारे लिए एक सोशल स्टैंडर्ड बन चुका है अ फोटोग्राफ कि हमें एक फोटोग्राफ मतलब हम इतने दीवाने हो जाते हैं कि एक फोटोग्राफ अच्छी हो करने के लिए हम हंड्रेड ऑफ फोटोज खींचते हैं और जब वो उनमें से रखते हैं एक है और उस पर भी लाइक like ना आए तो हो जाते हैं उदास लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है एंड दिस इज द बेस्ट बेस्ट पोम आई कैन टेल यू कि ये आपके लिए अभी आइडेंटिफाई करने के लिए that the photograph what it is actually for and how it relates to our emotions uh the true emotions i am talking here about so we are going to read about all these in this part or hai because i have everything here वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन ग्लॉसरी एज वेल एज पोएटिक राइमिंग स्कीम एंड क्वेश्चन आंसर्स सो वन शॉट इज फॉर यू ओनली अभी तक आपने नहीं शेयर किया है अपने फ्रेंड्स के साथ में तो फराफट से उनको शेयर करके हेल्प कर दीजिए माइट भी वो अच्छे मार्क्स लिया है और आपको थैंक यू बोल देट्स मूव अहेड टू नो अबाउट आर पोएट हु इज आर पोएट इफ वी गोट टू नो द नेम ऑफ द पोएट पोएट का नाम है कैथलिन शोर् टोलसन हमें शोर्ले याद रख लेना है इट इज मोर देन इंपॉर्टेंट बाकी आप कैथलिन शोर् टोल्सन पूरा याद रख सकते हैं शी वॉज बॉड On 20 May 1924, and she died on 23 September 2018. Okay, and she was an English writer, a poet, a journalist, as well as a local politician. So here she is. Now, what this uh, whole poem is about. Kiske mein ek photograph ke mein batati, ek memory ko hai. That's how it uh, gives her nostalgia ki time ki baat kare agar the happy time when she मदर तो रीड फटाफट से हम part, lovely, lovely, say, uh, was, okay? आप भी अपने मदर से उतना ही प्यार करते होंगे डेफिनेटली एंड लेट्स रीड इट ऑन दैट नोट अभी हम रीड करते हैं दार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज विजन्स वेंट पैडलिंग

सो दीज आर इन तो आप देखो कार्डबोर्ड के फ्रेम्स की बात की गई है एंड दिस पिक्चर वॉट इज टेल्स दिस पिक्चर टेल्स दर इज अ There is, uh, वो, वो क्या बोलते हैं ना थ्री मस्कट ऑफ पिक्चर तो तीन जनेच में है वो कौन है वो हैजन तो है सिस्टर्स है? cousin. नहीं कहेंगे अगर आपको किसी को प्रेजेंटली बताना ही है तो वी कैन सी गर्ल कजन राधर देन कजन सिस्टर्स और कजन ब्रदर्स ये गलत होता है गेट टू नो सम न्यू थिंग्स एडवांस बनो आप ओके नाउ रीड दैट पार्ट सो वट वी केन Can see that the cardboard show me how it was when the two girl cousins girl cousins went paddling. What is the meaning of paddling? Paddling means walk karna and specially beach side mein karte hain se kaha jata hai paddle karna. It is written every

पोएट्स मदर की एज बताई गई है यहां पर ट्वेल्व को याद रखना ट्वेल्थ सिग्निफाइज टू थिंग्स ट्वेल्व दो चीजों को बताएगा और इसलिए मैं आपको यहां पर क्लियर करती हूं फर्स्ट ट्वेल्व इज आर एज किसकी एज नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट पोएट्स एज आई एम टॉकिंग अबाउट पोएट्स मदर एज वेन इथ दिस पिक्चर वॉज क्लिक्ड ओके वेरी मच क्लियर नाउ मूविंग अ हेड All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's, that was before I was born. And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transit.

एंड द सी और अब बात कर रहे हैं शी इज टॉकिंग अब दी द सी विच अपेयर्स टू हैव चेंज लेस अब टॉक अबाउट दी मदर एंड इफ वी टॉक अबाउट दी सी तो दोनों चीजों को अगर यहां कंपेयर करो तो वो कह रहे हैं सी जो कि अभी तक चेंज लेस दैट मीनस उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं बट इफ वी टॉक अबाउट मदर तो मदर्स में बहुत सारे आते है, होते हैं तो हमारे लाइफ में जैसे फेजेस होते हैं तो मदर के भी फेजेस है एंड एट सी एट अ लास्ट स्टेज माइट बी वॉश देयर थे हम सी की बात करें जो आज मैं जा करके देखू तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं आए हैं ज्यादा वो सी ने क्या किया है वो सी ने वॉश देयर मतलब की पान जो है उनके पाओ के ऊपर से होकर निकला है बिकॉज सम एक्टिविटी वहां पे वो तीनों मिलकर कुछ एक्टिविटी कर रहे थे पिक्चर क्लिक करवाने के लिए जब गए तो चेरीबल इन फीड मतलब कि उनके जो ट्रांसियंट वो जो छोटे छोटे से पाओ से चल रहे थे वहां पे, उस पे से वो सी जो है वो बहकर निकली

है बेटी और यह है डॉली सो आई मोस्ट प्रोबेबली थिंक कि आपने पहले ही सोच लिया होगा हु

एल्जिक फील कर रही है ये उनका पास्ट हर पास्ट मींस मदर्स पास्ट माइंड इज हर लाफ्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है दीस टू लाइंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन यहां से पुट अप किए जा सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड मदर का पास्ट का मेमोरी पूछा जाए तो मदर्स पास्ट मेमोरी वाज व्हाट ये क्या थी द सी हॉलीडे और सेकंड क्वेश्चन पूछा जाए पोएट्स पास्ट मेमरी पोएट्स पास्ट मेमोरी अगर पूछी जाए तो वो थी उनकी खुशी उनका लाफ्टर तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है बोथ राय राय मीन्स व्हाट राय का मतलब होता है आयरनिक मॉकिंग यानी कि जो हम किसी को मॉक करते हैं किसी की हंसी उड़ाते हैं बोथ राय विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस और दोनों ही राय किए दैट मींस उन्होंने क्या किया है उन्होंने हंसा है यहाँ पे दे हैड मेड आयरनी उन्होंने किसी चीज़ पर कटाक्ष किया है विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस अब देखो ये वर्ड देखो लेबर्ड ईज लेबर्ड है और ईज है दीज आर कॉन्ट्रोडाक्ट्री वर्ड्स कॉन्ट्राडक्टरी कैसे लेबर मतलब कि बहुत uh, मुश्किल वाला काम होता है जिसमें बहुत स्ट्रेंथ लगती है मेहनत बहुत लगती है और ईज़ मतलब तो कम्फर्ट होना ये दोनों वर्ड्स देखो आप क्या कर रहे हैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं यहाँ पे सो so, यहाँ पे हमारे पोएटिक डिवाइसिस को याद रखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है

होता है, मैं कभी किसी के साथ अपना जो ग्रीफ है वो नहीं शेयर करती हूं हम अपनी लाइफ में आ, कुछ ऐसे पर्सनल क्लोज इमिडिएट क्लोज पर्सन जो होते हैं फैमिली होती है फ्रेंड होती है उनको जब खो देते हैं तो हम उनकी जो खोने का सदमा होता है ना वो नहीं सहन कर पाते हैं वी डोंट टॉक वी डोंट इवन थिंक अबाउट दैट हम अपने अंदर ही वो घुट घुट के फीलिंग्स रख लेते हैं सो हेयर इज द सेम फीलिंग शेयर्ड बाय हमारी पोएट और वो पोएट कहती हैं कि मैंने आज तक इस बारे में किसी से बात नहीं करी और ये तो वो वाली चुप्पी है जो कि चुप की भी चुप्पी है दैट मीन्स इट साइलेंस साइलेंस यानी साइलेंस भी कभी कभी आपको पता है बहुत आवाज़ करता है बहुत ही गहरी गहरी बातें होती है अभी ये तो चलो आपके लेवल में इतना ही बहुत है बट दीज आर दर्ड्स विच आर रियली टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल जब आप सोचते हो सो साइलेंस मींस अ कंप्लीट एबसेंस ऑफ साउंड नाउ राइम स्कीम देर इज नो राइम स्कीम सच एस क्योंकि हमने देखा एक बहुत ही फ्री वर्ड्स में रिखा हुआ था पोएट्रिक डिवाइसेज मैंने आपको जहां जहां आई है सारी बता दी है थीम की अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉस मेमोरी एंड द ट्रांजेंस ऑफ लाइफ बहुत जरूरी है ये याद रखना कि कैसे चेंजेस आते हैं we, uh, loved, है ना? तो वी आर बी लव बट हम उनसे क्या हो जाते हैं उन्हें खो देते हैं वी आर नॉट कनेक्टेड विद नाउ दिस इज द पार्ट यू नो वेरी वेल थ्री टू वन गो वाला पार्ट है आपको एमसीक्यूज के आंसर देने हैं आपको डिटेल क्वेश्चन के भी आंसर देने हैं सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू वन एंड शेयर इट विदरी वन लेट्स गेट स्टार्टेड विच मटीरियल वॉज द फ्रेम ऑफ द फोटोग्राफ मेड ऑफ किसका बना हुआ था वेरी इजी क्वेश्चन इट इज कार्डबोर्ड का बना हुआ था याद रखना है कार्डबोर्ड इट वॉज वट वॉज द फेवरेट मेमरी ऑफ द पोएट मेमरी क्या थी पोएट की पूछा है पोएट की मैंने सिग्निफाई करके आपको इंपॉर्टेंट करके बता दिया है कि विच इज द करेक्ट आंसर

डिटेल आंसर जब आपका वन मार्क का आंसर आए ओनली फॉर दैट आपको इतना लिखना है बट इफ इट कम्स फॉर मोर देन वन मार्क तो आपको ऐसे लिखना है द पोएट्स मदर वुड लाफ एट द स्नैपशॉट बिकॉज इट रिमाइंडेड हर ऑफ हर हैप्पी चाइल्डहुड यहां पे डिटेल आंसर में आपको पूरा बताना है कि उनके हैप्पी चाइल्डहुड के बारे में फुल ऑफ केयर फ्री इंजॉयमेंट के बारे में हमारा भी चाइल्ड हुड भी मिस आर चाइल्डहुड डेफिनेटली आप अपने एज पे कर रहे हो मैं अपने एज पे भी अपने चाइल्ड हुड को मिस कर रही हूँ बिकॉज वी वर केयर फ्री वी वर एंजॉइंग एवरीथिंग किसी चीज की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या हम कह सकते किसी चीज का हमें कोई डर वगैरह भी नहीं था वी वर जस्ट प्लेइंग 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 एंड हैविंग आर टाइम राइट द फेल्ट अम्यूज एंड मोस्ट टू

डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगा होगा फोटोग्राफ को आज से कंपेयर करते हुए मैं जब पुराने टाइम की बात करती हूँ तो हमारे लिए आज भी फोटोग्राफ्स एक मेमोरीज है और आगे भी हमेशा मेमोरीज का ही पार्ट रहेगी लेकिन हम भी बैठ के जब हमारी फोटोग्राफ्स को देखते हैं तो हम हंस देते हैं कि यार मैं कैसा लगता था या मैं कैसे लगती थी ना मैं कैसे ही कपड़े पहनती थी मेरी कैसी ही हेयर स्टाइल थी बट ये कब किसी और के लिए मेमोरीज बन जाता है ये हमें नहीं रहता है हम किसी और की पिक्चर्स को देख के उनको याद रखते हैं जैसे हम हमारे फादर को फादर की पिक्चर को देखते बहुत याद रखते हैं जो भी हमारे